Hey guys, this is Asha. Welcome back to my channel. So, आज का वीडियो है ना बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो था, क्योंकि ये वीडियो था स्किन केयर रूटीन मेरे बारे में, मेरा वीकली स्किन केयर रूटीन क्या है. तो मैंने डेली स्किन केयर रूटीन बताया, डे स्किन केयर रूटीन बताया, समर विंटर सारे सीजन के स्किन केयर रूटीन बता चुकी हूँ. बट आप चाहते थे कि मेरा वीकली स्किन केयर रूटीन, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल. अगर मैं वीडियो बना रही तो अफोर्डेबल होना ही है, क्योंकि उसका स्टैम्प मार के आया हुआ है. क्योंकि मैंने वीडियो बनाया तो अफोर्डेबल तो होना ही है. तो अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन के बारे में आप जानना चाहते थे, मेरा अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन जो वीक में मैं एक बार करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ तो मैं उसे डेली तो नहीं करूँगी. और वीक में मैं एक बार तो हाँ खुद के स्किन को केयर कर लेती हूँ संडे के टाइम में राइट. तो विदाउट मेकअप राइट नाउ मैं शूट कर रही हूँ, तो सिर्फ इसमें मैंने लिप बाम लगाया हुआ है, थोड़े मेरे आईब्रोज को फिलिंग किया हुआ है. मेरा स्किन केयर रूटीन, तो मेरे स्किन केयर रूटीन में जाने से पहले, मेरे वीकली स्किन केयर रूटीन में जाने से पहले, वो भी अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ, उसमें जाने से पहले, ये ऐसा अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन है जिसमें आपका फेस को क्लियर ग्लोइंग बना देगा, बहुत ही अच्छे तरीके से एक ग्लो ला देगा. मतलब बोलते हैं ना पार्लर वाला ग्लो, वो आपको बस घर पे ही मिल जाएगा. तो उसके बारे में जानने से पहले, आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो, अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आपको ये वीकली स्किन केयर रूटीन कैसा लगा. तो चलिएगा, इस विदाउट एनी फर्दर तो वीडियो में चलते हैं. सबसे फर्स्ट स्टेप होता है क्लिनजिंग. तो मैं क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर रही हूँ, ब्यूटी ब्रांड का क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर रही हूँ. ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट क्लिनजिंग मिल्क है. तो इसे मैं एक कॉइन साइज लेके ऑल ओवर माय फेस, माय फॉरहेड, माय नेक, मैं अच्छे से सब जगह मैं अच्छे से इसको अप्लाई करूँगी और अच्छे से मसाज कर लूँगी. तो फेशियल में सबसे फर्स्ट स्टेप हमेशा यही होता है कि हम हमारे फेस में सारे जो भी डर्ट्स होते हैं उसे रिमूव करें, ताकि जो भी नेक्स्ट प्रोसेस हम करते हैं वो हमारे फेस में अच्छे से एक रिजल्ट, अच्छा इम्पैक्ट दे जाए. तो मैं इसे अच्छे से मसाज कर ली, उसके बाद मैं टिश्यू से मैं इसे वाइप करके निकालूंगी. या आप कॉटन पैड्स यूज़ कर सकते हो आपके फेस में अच्छे से वाइप करके निकालने के लिए. मैं टिश्यूज़ यूज़ कर रही हूँ. और हम जैसे टिश्यूज़ यूज़ करके हम देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है एक्चुअली हमारे फेस में कितने सारे मतलब डर्ट्स प्रेजेंट होते हैं. नेचुरली हमें दिखता नहीं नॉर्मली, बट हम वेट हम जैसे रिमूव करते हैं ना, हमें पता चलता है कितना है जब हम क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करते हैं. तो आप देख सकते हो मेरे फेस में कितने सारे डर्ट्स प्रेजेंट है. उसके बाद मैं स्क्रबिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ शुगर और कोकोनट ऑयल. एक स्पून शुगर में मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ और अच्छे से उसका एक मिक्सचर बना रही हूँ. ये मेरा वीकली वन स्क्रबिंग है, तो मैं नेचुरल यूज़ करती हूँ जब स्क्रबिंग की बात आए, जब वीकली वंस करती हूँ. डेली तो मैं रेडीमेड लेती हूँ, बट जब वीकली वंस की बात आए तो मैं नेचुरल लेती हूँ. बस शुगर और कोकोनट ऑयल मिक्स करके मैं एक स्क्रब बना रही हूँ. इसे ऑल ओवर माय फेस अच्छे से, चेक, फॉरहेड, नोज, सब जगह में, नेक पे, सब जगह मैं अच्छे से इसको स्क्रब कर लूँगी. बहुत ही जेंटली मैं स्क्रब करूँगी ताकि मैं खुद को हार्म ना करूँ. तो इसे अच्छे से मैं स्क्रब करूँगी, जो भी डेड स्किन्स होगा, जो भी डेड स्किन्स होते हैं मेरे फेस में, सब कुछ रिमूव हो जाए. पूरा फेस में सारे डेड स्किन्स बहुत ही इजीली रिमूव हो जाए. तो जैसे ये रिमूव हो गया है, मैं फेस को वॉश कर ली हूँ. उसके बाद मैं सेम टिश्यूज़ लेके मेरे फेस को वाइप कर लूँगी और पूरा ड्राई कर दूँगी मेरे फेस में, क्योंकि थर्ड प्रोसेस आता है फेस पैक. इसके लिए मैं अच्छे से इसको वाइप कर रही हूँ. तो मैं अच्छे से वाइप कर दूँगी, कम्प्लीटली वाइप कर दूँगी. उसके बाद मैं फेस पैक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉफ़ी पाउडर, 1 रुपीज़ कॉफ़ी पाउडर है ब्रू का. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हल्दी यानी कि टर्मरिक, और उसको थोड़ा सा टर्मरिक एक बाउल में ले रही हूँ. मैं हल्दी को एक बाउल में लेके 1 रुपये वाला जो कॉफ़ी पाउडर होता है वो उसमें ऐड कर रही हूँ. मैं फेस पैक नेचुरल वे में बना रही हूँ, होम मेड रेमेडी है ये. तो उसके बाद मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ, पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल, बस एक कॉइन साइज ले रही हूँ. आप चाहे तो नॉर्मल ग्रीन वाला एलोवेरा जेल या नेचुरल एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो. उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी रोज़ वाटर, थोड़ा सा 2-3-4-5 ड्रॉप, ताकि एक थिक पेस्ट बन जाए इसका. तो इसको अच्छे से मैं सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करके मेरा DIY फेस पैक रेडी है. ये वीकली वंस का फेस पैक है जो मैं ऑलवेज़ यूज़ करती हूँ, नहीं तो डेली बेसिस पे तो मैं दही लगाती हूँ मेरे फेस पे. ये मेरा कॉफ़ी फेस पैक है जो वीकली वंस का फेस पैक DIY में यूज़ करती हूँ. तो इसे ऑल ओवर माय फेस, नेक, फोरहेड, चीक, सब जगह मैं इसको अप्लाई कर दूँगी. इसमें कॉफ़ी है, हल्दी है, एलोवेरा जेल है, रोज़ वाटर है. कॉफ़ी आपके फेस को ग्लोई शाइनी बनाता है, हल्दी आपके फेस से सन टैन रिमूव करता है, और एलोवेरा जेल आपके फेस को सॉफ्ट एंड सफल रखता है. और
रोज़ वाटर आपके फेस को अच्छा टोन देता है। तो इसे मैं 10 to 15 minutes ड्राई होने दूंगी, 15 to 20 minutes ड्राई होने दूंगी। अच्छे से ये जैसे ही ड्राई हो जाएगा, तो ये ड्राई हो गया ऑलमोस्ट, फिर मैं इसे अपने फेवरेट फेस वॉश से फेस वॉश कर लूँगी। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है, अब मैं मेरे टॉवल से इसको अच्छे से ड्राई करके ले रही हूँ। तो ये फेस पैक बहुत ही अच्छा ग्लो देता है। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र के लिए यूज़ कर रही हूँ नीविया क्रीम मॉइस्चराइज़र। आप चाहे तो आपके फेवरेट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है, या आप ऑयल से भी आपके फेस में अप्लाई कर सकते हो। एक मसाज करने के लिए मैं ये क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो भी हमने प्रोसेस किया है फेस पैक ये वो सब कुछ, वो हमारे फेस में बहुत ही मतलब टेंशन दे देता है। तो इसको रिलैक्सेशन देने के लिए एक हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए मैं नीविया मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ मेरे फेस को अच्छे से मसाज करने को। तो मैं अच्छे से मसाज करूँगी फॉरहेड, नोज, चीक, सब जगह मैं अच्छे से इसको मसाज कर दूँगी। एक बहुत ही जेंटली मसाज करूँगी, एक रिलैक्सेशन दे, बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन होता है फेशियल करने के बाद हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। आप चाहे तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है आपके फेस को रिलैक्सेशन देने में। तो मैं अच्छे से मसाज कर लूँगी, उसके बाद फाइनल स्टेप होती है लिप बाम। तो लिप बाम के लिए मेरा DIY कॉफ़ी लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, जो चॉकलेटी लिप बाम मैंने बनाया था वो लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे लिप्स को मॉइस्चराइज कर दूँगी, इससे मेरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, मेरा डेली मेरा वीकली स्किन केयर रूटीन। फेस को एक अच्छा ग्लो मिल गया है, मतलब बहुत शाइनी हो जाती है। आप वीक में एक बार करोगे ना, आपका फेस ज़्यादा ही ग्लो होगा, क्योंकि कॉफ़ी हमने ऐड किया। और 1 रुपये वाला कॉफ़ी जो होती है ना, वो इतना बेनिफिट्स दे जाता है कि हमें वो पता भी नहीं होता है। तो यही है मेरा रियल वाला स्किन केयर रूटीन, जो मैं वीक में एक बार करती हूँ सिर्फ संडे को। तो संडे मैं इस वीक स्किन केयर रूटीन ये करती हूँ, इसकी वजह से मेरा स्किन तो इसकी वजह से इससे क्या होता है, मेरा स्किन बहुत ग्लोई और क्लियर स्किन मिलता है, हमें कोई भी ये इश्यूज़ नहीं होती, बहुत ही हमारा स्किन क्लियर। वीक में एक ही बार की बहुत, क्योंकि इसमें सारे सब कुछ DIY ही है, कुछ रेडीमेड नहीं है, सारे मैं होम मेड DIY उसी चीज़ों से मैंने किया करी हूँ। तो इसके लिए मैं वीकली वंस ही करती हूँ, क्योंकि डेली तो मेरे से होममेड किया नहीं जाएगा। कुछ से बना के अप्लाई करो बहुत ही टाइम हो जाता है, क्योंकि हम ऑफिस वाले पर्सन है, तो हम इतने हरी हरी में भागते हैं कि स्किन केयर के लिए कोई टाइम नहीं। प्रोडक्टिव लगा लो तो फटफट काम हो जाता है, तो इसके लिए मैं डेली वही प्रिफर करती हूँ। बट वीक में वंस हमें होममेड प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही नेचुरल होती है, बहुत विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स, और बहुत अच्छे मतलब यू नो उसके अच्छे अच्छे जो भी बेनिफिट्स होते हैं हमारे स्किन में हो जाए। तो यही है वो रूटीन जो बहुत ही ईजी मेरा एवरीडे रूटीन है, क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग और फेस पैक और फेस स्क्रब, यही है बस। लिप बाम भी मैंने DIY बनाया हुआ है। हाँ, मेरा स्किन केयर वीकली स्किन केयर रूटीन। अगर आपको ये रूटीन पसंद आया तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें कि आपको ये स्किन केयर रूटीन कैसा लगा। और सारे सबके लिए बेनिफिशियल है, बहुत ही अफोर्डेबल है, सभी ट्राई करिए और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मीट इन माय नेक्स्ट एपिसोड गाइस, टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।